माउंटेन गोट द्वारा 10वें एडिशन की कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर आयोजित इस एक्सपेडिशन में 4x4 70 गाड़ियां हैं और 160 लोगों का समूह है जो संकरी और बर्फीले चुनौती भरे रास्ते का सफर तय करेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस रैली के सफल आयोजन के लिए माउंटेन गोट को बधाई दी, साथ ही इस रैली में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है और सरकार की तरफ से इस तरह के आयोजनों के लिए पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। हमारे लिए, हिमाचल सरकार के लिए भी, हिमाचल के पर्यटन के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए और ख़ास करके जो हमारे दूर दराज क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। हम हमेशा जो है इस तरीके की स्पोर्ट्स को, एडवेंचर स्पोर्ट्स को जो है अपनी ओर से पूरा समर्थन देने का प्रयास करते हैं। आज माउंटेन गोट जो एक संस्था है, इनके माध्यम से जो ये हिमालयन एक्सपीडिशन जो कई सालों से करवाया जा रहा है, मगर आज इसको एक बड़े स्तर के ऊपर करवाकर कई जगहों पे हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ से होकर ये गुजरेगा, तो इसके लिए मैं इनको जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी सरकार की ओर से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। ये कुछ दिन पहले हमसे आके मिले थे, हमने इनको मुख्यमंत्री जी से पूरा पूर्ण सहयोग का पूरा इनको आश्वासन दिया है और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि इस तरीके की गतिविधियां प्रदेश के अंदर चलती रहें। जो ये हमारा 10th एडिशन हो रहा है, ये बहुत ही बिग स्केल में इस साल हो रहा है क्योंकि ये हमारा 10वां एडिशन है। हमने 7 साल पहले इसको शुरू किया था और इस बार हमारे पास इन टोटल 70 कार्स पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें अबाउट 160 पीपल हमारे साथ जाएंगे। तो इसका जो हमारा रूट रहेगा वो पहले दिन हम यहाँ से अपना कल्पा जाएंगे, उसके बाद 3 दिन हम काजा में, पूरी रैली 3 दिन में काजा में स्नो ड्राइव करेगी और वहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल कल्चर, लोकल फूड को का अंदाज अपना मज़ा लेके वहाँ से हम वापस रामपुर आएंगे और फिर 2 दिन हम मनाली में रह के इसका अंत हम मनाली में करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।